हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। तो जी, आज हम ये ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था आपका, उसकी आज बात करने जा रहे हैं। तो जी, आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन ले लेते हैं। हाँ जी, इंग्लिश के पोर्शन में आंसर रहेगा आपका, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज, कोई चीज़ जो डिस्ट्रॉय कर देती है द इफेक्ट को, इफेक्ट यानी कि ख़त्म कर देती है, ऑफ पॉइजन, जहर का, तो उसको क्या बोलते हैं? और उसको बोलते हैं एंटीडोट। हाँ जी, जल्दी जल्दी अब आंसर मिलाते जाएंगे। तो जो भी मैंने ये निशान लगा रखा है ये वाला, वो आपका आंसर रहेगा। कुछ एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे, आगे भी आने वाले जो आपके एग्जाम होंगे उनमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर दिस वन, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का एंटोनिम्स बताना है, वो हो जाएगा डिसीटफुलनेस। हाँ जी, डिसीटफुलनेस हो जाएगा रेक्टिट्यूड का एंटोनिम्स। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका, दिस डोंट, डू नॉट डैश योर वॉइस हियर, दिस इज अ लाइब्रेरी। तो जी, फिल इन द ब्लैंक्स करना अप्रोप्रिएट वर्ड, वो रहेगा डोंट रेज दिस वन, आपका आंसर रहेगा। साइड में आपके लिए कुछ नॉलेजेबल बातें भी आती रहेंगी पिक के रूप में, तो उनको भी आप ध्यान में रखते रहिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन डैश मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल, तो इसका आंसर रहेगा दिस वन, इंडस्ट्रियस, इसकी स्पेलिंग ये रहेगी बी। 81 में जो अंडरलाइंड है वर्ड, तो इसके बारे में आपने सिनोनिम्स बताना है इसका, वो आंसर रहेगा आपका, जी हाँ, बैफल्ड, इसका आंसर हो जाएगा बैफल्ड। तो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिस, तो इसको रीड करना है और इसमें गलती बतानी है। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो जी, यहाँ गलती है, वो क्या है? आपका आंसर रहेगा ए, गलती क्या है यहाँ, ही इज गोइंग एवरी डे वगैरह कुछ ऐसी वर्डिंग आ जाती है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, यानी कि ही गोज एवरी डे होना चाहिए, यहाँ गलती है, यानी कि आंसर ए आएगा। तो ये था इंग्लिश का पोर्शन, हम हिंदी वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं। हिंदी वाले पोर्शन में, हाँ जी, तो ये रहेगा, हाँ जी, दिस वन, देश विदेश डैश मास का उदाहरण है द्वंद्व का। किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है, वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 85 जो आपका आंसर है वो हो जाएगा, हाँ जी, अब आंसर आपके सामने है, तो किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है, वो कहा गया है जी बनारस को। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं खालिस्तान कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तद्भव। सेम जो संस्कृत से आते हैं वो तत्सम, संस्कृत के समान होते हैं, बदल के आते हैं तद्भव हो जाता है, और विदेश से आए हैं वो विदेशी हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट आंसर रहेगा आपका, तो वाक्य के कितने भाग होते हैं, वाक्य के तीन भाग होते हैं, वाक्य के कितने भाग, यहाँ सॉरी भाग पूछा गया है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं पूछा। हाँ जी, यहाँ भाग, तो बहुतों ने इसका आंसर तीन किया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, उसके हिसाब से, लेकिन भाग की बात हो रही है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, दो भाग माने जाते हैं, तो आंसर यहाँ ए रहना चाहिए। जी हाँ,
आपको कोई ऐसे दिख रहे हैं जो आंसर जो मैं आपको लग रहा है कि रॉन्ग है, तो आप कमेंट में भी बोल सकते हो। अगर आप श्योरली श्योर हो इस बात में तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जीवनी है, इनमें से कौन सी जीवनी है स्मृति के झरोखे में, ये जीवनी रहेगी। हाँ जी, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार हैं, वो हैं राम कुमार वर्मा। सुरसागर के रचनाकार हैं सूरदास। तो ये हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन था, अब हम जीके रीजनिंग और वो लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, वो रहेगा आपका ये। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। हाँ जी, फर्स्ट का आंसर रहेगा, रीड कर लीजिए, ग्रामीण विकास समिति। सेकंड में आंसर रहेगा राजा नाहर सिंह। हम डी सीरीज या डी सेट की बात कर रहे हैं, सीधे आंसर करेंगे, कुछ का एक्सप्लेन होगा तो एक्सप्लेन भी कर देंगे जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट का आंसर रहेगा गुप्त मतदान। फोर्थ 60 और 70 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग बताना है, तो जी वो 61, 63, 67, 71, 73 हो जाएगा, और इनको हम जोड़ेंगे तो 272 यानी के 272 डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट का आंसर आपका रहेगा जी, यहाँ एक इसकी सीरीज है, एक में एक है तो दो आ गया, दो में तीन जोड़े तो पाँच, पाँच में पाँच दस, दस में सात जोड़े, फिर यानी कि एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह और तेरह जोड़ेंगे तो हम 50 हो जाएगा और आंसर आएगा ए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दिस वन। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा दिस वन बी, 5.47 मल्टीप्लाई, सॉरी 5.47 नहीं बोलते, 5.47 बोलते हैं, ये आंसर रहेगा। सेवंथ आंसर आपके सामने रहेगा जी। हाँ जी, एक तारा, ये एक तारा होता है इसका आंसर। एट्थ आंसर हो जाएगा, एट्थ का एपिस्टेमोलॉजी नहीं आएगा आंसर, आंसर आएगा इथोलॉजी, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो हो जाएगा NH10। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा कादंबरी, और नेक्स्ट जो रहेगा उसका आंसर रहेगा दिस वन ADD। बारहवें का आंसर रहेगा O2। हाँ जी, नेक्स्ट 13th आपका आंसर रहेगा इसका 24, 36 और 40 का लघुतम समावर्त्य ज्ञात करना है, वो जी लघुतम समावर्त्य निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 360, बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट का जो आंसर रहेगा जी वो आपके सामने है 14th का, इनको क्या लिखा जाए तो इनको जोड़ के 125 बनता है, तो इसको भी जोड़ के वो बनेगा 98। हाँ जी, तो 15वें का आंसर रहेगा 28। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा धारा 254 नहीं आएगा आंसर, सॉरी आंसर आएगा धारा 256 जी। नेक्स्ट का जो आंसर रहेगा वो होगा इसका आएगा कैथल। 18वें का डी 54। 19वें का आंसर आएगा राज्यपाल। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ए आंसर रहेगा। आपको कोई ऑप्शन गलत नजर आ रहा है, श्योर हो आप कमेंट कर सकते हो बिल्कुल। हाँ जी, 21वां का आंसर रहेगा घंटा बी। नेक्स्ट का आंसर रहेगा 22वें का 31 मई 1966।
नेक्स्ट का आंसर रहेगा, हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? धर्मवीर सी। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा 15 वर्ष सी। 25वें का आंसर रहेगा, 25वें का आंसर रहेगा अनुच्छेद 32A। 26वां आंसर रहेगा आपका, हाँ जी 26वां आंसर रहेगा जी, हरियाणा किस जिले में सबसे ऊंची चोटी कारो स्थित है? कहाँ है वो? पंचकुला में, हाँ जी। नेक्स्ट का आंसर रहेगा 27वें का सरदार हुकम सिंह। 28वें का आंसर रहेगा तांगनीका झील कहाँ स्थित है? वो है उत्तर अमेरिका में। नेक्स्ट का आंसर रहेगा आपके सामने पी गोपीचंद जी, पी जी हाँ जी पी गोपीचंद। 30वें का आंसर रहेगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट का आंसर रहेगा 1977 और नेक्स्ट का आंसर रहेगा पंचकुला जी। नेक्स्ट 32-33वां आंसर आ जाएगा 1977 में अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी, वो रहेगा आंसर पंचायत समिति। 34वां का आंसर रहेगा केवल दो। 35वें का आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949। 36 का आंसर रहेगा विकास अधिकारी। 37 का आंसर रहेगा हर्ष चरित जी, हाँ जी। साथ में अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर सकते हो और दूसरे मित्रों को भी भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं वैसे स्पेशल रूप से इंग्लिश टीच करवाता हूँ आपको इंग्लिश के लिए, इसलिए सबसे पहले इंग्लिश की दी थी मैंने, फिर भी हाँ जी बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। उसका आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश, तो सोचा कि साथ साथ इनकी भी आंसर की दे ही दूँ, और बेनिफिट हो सकता है जो मेरे इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, हाँ जी। तो 39th का आंसर हो जाएगा ध्रुव। 40th है उसका आंसर रहेगा सियाचिन ग्लेशियर। 41st का आंसर रहेगा बिट। 42nd का आंसर रहेगा ली कार्बूसियर जी। 43rd का आंसर रहेगा वित्त लेखा परीक्षण और आयोजना समिति। 44th का आंसर रहेगा जी, आंसर रहेगा बाउंड्री वैल्यू। 45th का आंसर रहेगा मतदाताओं की सूची तैयार करना। 46th का आंसर रहेगा बिट, सॉरी किट है ये, और इसमें कुछ डाउट है मुझे, आप भी कमेंट में लिख के भेज सकते हो। तो मक्खी मधुमक्खी और चींटी का आंसर मेरे हिसाब से कीट या मकड़ी होना चाहिए, सी ओ डी मुझे ज़्यादा ये लग रहा है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, हाँ जी। 47th का रहेगा ये धारा 219। 48th का आंसर रहेगा, यहाँ भी दो में से हो सकता है, भारतीय रेलवे या राष्ट्रीय महिला आयोग, इन दोनों में से आंसर आएगा सी ओ डी में से, इसमें श्योर नहीं हूँ। 49th का आंसर रहेगा पंचकुला जी। 50th की बात कर लेते हैं, उसका आंसर रहेगा हांसी। 51 मेवात। 52nd इसका आंसर आएगा 1971 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा 53rd ए और बी में से हो सकता है, दोनों में से जी, श्योर नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट आंसर रहेगा
फिफ्टी फोर्थ का 59, ये इनसे सबसे भिन्न है, ओड है, ये दूसरों से डिफरेंस है, ये सारी सम संख्याएं हैं। 55th उसका आंसर रहेगा, 55th में आंसर रहेगा आपका चरखी दादरी। 56th का आंसर रहेगा टोपरा स्तंभ, और 57th उसमें आंसर रहेगा बेल्जियम। हाँ जी, 57th हो गया है। 58th की बात कर लेते हैं, उसमें आंसर रहेगा रेवाड़ी। इसका एक तरीका भी है, अंबा रो मत गुड़ ही काफ़ी है, अंबा अंबाला गुरुग्राम, अंबाला गुरुग्राम, तो ये आ गया, ये कट कर दिया, गुड़ अंबा रो मत गुड़ ही हिसार ही काफ़ी है, तो रो मत तो रोहतक आ गया, तो रेवाड़ी नहीं आया, तो इस हिसाब से ये ट्रिक है, अंबा रो मत गुड़ ही काफ़ी है, इसके लिए मंडलों को याद रखने का तरीका। हाँ जी, अंबाला में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, वो की थी शेख फरीद ने। नेक्स्ट का आंसर रहेगा आपके सामने 60 का, हो जाएगा डाल्टन का नियम। 61 का आंसर रहेगा, यानी कि 61st उसका आंसर हो जाएगा डी 10, और 62nd उसका आंसर रहेगा बी ग्राम पंचायत, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 63rd उसका आंसर रहेगा रुपीज़ 112.50, दिस वन ये आंसर रहेगा। 64 की बात कर लेते हैं जी, इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट का आंसर रहेगा संत गरीबदास। 66 का आंसर रहेगा डी एन, इसका आंसर आएगा, ये हमने कोड करके देख लिया ऐसे। हाँ जी, 67th उसका आंसर रहेगा बी 44,212 किलोमीटर स्क्वेयर, ये रहेगा। तो जी, 68th का आंसर रहेगा 2009। 69th उसका आंसर रहेगा दिस वन 0.8 nm। हाँ जी, 70 का आंसर रहेगा भारत। 71 का आंसर रहेगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 72nd का आंसर रहेगा विक्टोरिया झील। 73 का आंसर रहेगा हरियाणा रेगुलेटरी डेवलपमेंट फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। 74th का आंसर रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा दो, लेकिन नहीं सॉरी, लेकिन मुझे तो मैंने ये कोड बनाया, इसके हिसाब से तो कोई भी मैच नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है इसमें, तो इसका आप कमेंट में अब मुझे सेंड कर देना, कमेंट कर देना इसके बारे में। मैं तो इसके साथ ही जाऊंगा, ए के साथ ही, बाकी कुछ हैं जो दो भी कहते हैं, देख लेना इसका अब। हाँ जी जी, तो डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को खालिस्तान कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है डिस्क लेट। 76th उसका आंसर रहेगा, दो आंसर आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो जी मैं जाऊंगा आंसर सी के साथ, 4 के साथ, जी हाँ। तो ये था आज की वीडियो में, जी हाँ। तो जी, मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, सी यू सून।